विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के गांव रोशनपुर, जोधपुर और सुल्लर पहुंची, जहां विधायक असीम गोयल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और जनसंवाद भी किया। इस दौरान विधायक ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलवाई। वैसे 37 देश हैं, 37। हमने अभी कसम खाई कि हम 100 साल जब आजादी के पूरे हो जाएंगे, अपने देश को विकसित राष्ट्र में, यानी जो विकास हो रहा है उसमें नहीं, जो जिसका विकास हो चुका है ऐसे देश में हम उसको लेके आएंगे। और उन 37 देशों में लेकर वहां तक रुकेंगे नहीं, इन 37 देशों का सबसे आगे का देश बनाएंगे, ये कसम हमने खाई। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि संकल्प सरकार के लिए पूरा नहीं कर सकती, संकल्प को तो पूरा जब तक आप सब लोग गांव गांव गली गली हर नागरिक ये सोचेगा नहीं कि मैंने अपने भारत को आगे बढ़ाना है, भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इसी नाते आज हमने ये शपथ ली और मैं मानता हूं कि आज देश विदेश के अंदर आपने 9.5 साल पहले जो वोट डाली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अपनी सेवा सौंपी। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के करीब 2.25 लाख गांव को कवर करेगी। इसी के तहत आज यात्रा गांव रोशनपुर, जोधपुर और सुल्लर में पहुंची, जहां विधायक असीम गोयल ने जनसंवाद किया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।